So we've understood that there are three main points for elocution. Clarity, that is, we have to speak clearly. Now, I'll give you an example for this. अब मुझे वर्ड बोलना है गुड, ओके, गुड, ग ओ ओ ड गुड, और मैं जो डी है मुझे भूख लग रही है और मैं उसको खा जाती हूँ, तो डी खा लिया तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, ग उ ओनली ना, तो उसका क्या वर्ड का मतलब होता है, योर मम्मी विल एक्सप्लेन. सो इफ वी डू नॉट स्पीक टिल द लास्ट लेटर, द मीनिंग ऑफ द वर्ड विल चेंज एंड मोर ओवर वॉट विल हैपन, क्लैरिटी विल नॉट बी देयर. अब जो दो लिसनर है, मैं स्पीक कर रही हूँ, जो लिसनर है वो सोचता रह जाएगा कि ये क्या बोला मैम ने, ये गुड बोलना चाह रही थी लेकिन ड की तो आवाज नहीं आई एंड जी ओ रह गया, उसका तो मतलब हिंदी में बहुत खराब रहता है कि नहीं. सो दैट वर्ड विल नॉट साउंड करेक्टली. अब आई वॉन्ट टू से वेल डन, वेल डन, एंड अगर मैं न की आवाज ठीक से नहीं निकालूंगी तो वेल हो जाएगा. इज इट क्लियर? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मतलब वेरी गुड, और मैं टी खा गई तो एक्सेलेंट वर्ड बीच में रह जाएगा. ठीक है? नाउ अगर मैंने ई एन ए का मैंने ठीक उच्चारण नहीं किया तो मैं बताती हूँ क्या हो जाएगा. अब मुझे बोलना है कि मुझे आपको एक संदेशा देना है, एक मैसेज देना है. मैसेज में जो शब्द का प्रयोग है वो है ए, ए है, इट इज अ शॉर्ट ई साउंड ए, एंड जो ए का वर्ड है वो ए है, तो मैंने ए की जगह ए बोल दिया तो मसाज हो जाएगा, मैसाज. यस, मसाज का मतलब है मालिश और मैसेज का मतलब है संदेशा. तो क्या हो जाएगा, मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं आपको संदेशा, और मैंने आपको क्या दे दिया, मालिश. समझ में आया कि कितनी गड़बड़ हो गई? अब कोई किसी को ऐसे मालिश तो नहीं करने लगेगा ना, लेकिन संदेशा कोई भी किसी को दे सकता है. तो ए ए ब क, ईच अल्फाबेट जो है, जो 26 अल्फाबेट्स हैं उनके साउंड्स हमने आप लोगों को बताया है, वावल साउंड्स के साथ कॉन्सोनेंट्स, 44 साउंड्स है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी स्पीक क्लियरली. नाउ इफ द प्रोनंसिएशन इज नॉट करेक्ट, यू अंडरस्टूड व्हाट विल हैपन, मैसेज मसाज, क्लैरिटी नहीं होगी तो गुड जो है बन जाएगा. ओके, नाउ एक्सेंट. इफ आई मारो अ लॉट ऑफ एक्सेंट एंड आई से आई एम सैम खान, आई एम फ्रॉम इंडिया, व्हाई शुड आई स्पीक लाइक दिस, आई एम सैम खान, आई एम फ्रॉम भारत, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो विच सेंटेंसेज वर मोर क्लियर? सेकेंड वन, यस. जब फर्स्ट वन मैं ऐसे बोलूंगी तो दिल दिल की मैम की शायद तबीयत खराब है, वो ऐसे क्यों बोल रही है कि नहीं. सो नाउ द थ्री पॉइंट्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस पर पेरेंट्स काइंडली हेल्प योर चिल्ड्रेन टू स्पीक विथ क्लैरिटी, स्पीक करेक्टली एंड स्पीक विदाउट एन एक्सेंट, अदरवाइज मैसेज मसाज बन जाएगा. ठीक है? सो नाउ वी आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग अ फ्यू पोएम्स, ओके, विथ एलिक्यूटिंग प्रॉपरली. ठीक है, थैंक यू सो मच.